ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शैप हॉर्पर एक मैच के दौरान बड़े हादसे का शिकार हो गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। दरअसल बिग बैश लीग के एक मैच में रन आउट होने से बचने के लिए वो गेंदबाज के ऊपर से ही कूद पड़े, मगर नीचे गिरते ही उनके सिर पर चोट लग गई। बिग बैश लीग का 47वां मुकाबला मेलबर्न रेनगेट्स और होबार्ट हरिकेन्स के बीच खेला गया था, जहां रेनगेट्स को 4 रन से हार का सामना करना पड़ा। 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रेनगेट्स की पारी के चौथे ओवर में यह हादसा हुआ, जब नाथन एलिस की गेंद पर रन आउट से बचने के लिए सैम हार्पर नॉन स्ट्राइक छोर पर उनसे भिड़ गए और एलिस के ऊपर से होते हुए धड़ाम से नीचे गिर गए। इसके बाद हार्पर को मैदान छोड़कर बाहर ही जाना पड़ा। एलिस की गेंद को हार्पर ने हिट किया और सिंगल लेने के लिए दौड़े। एलिस हार्पर को रन आउट करने की कोशिश में थे और वहीं हार्पर इससे बचने के चक्कर में उनसे भिड़ गए। दरअसल हार्पर तेजी से क्रीज में आ रहे थे, तभी एलिस उनके रास्ते में आ गए और हार्पर अपना संतुलन खो बैठे, जिसकी वजह से हादसा हो गया। इसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।